पत्नी पता अभी संबंधों का शक तो हत्या कर एक घंटे तक लाश के पास रोता रहा। लाश समझाने पर भी जब वह नहीं मानी तो पति ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने वाले पति मोहन का कहना है कि रितु का चाल चलन कुछ ठीक नहीं था। इसके लिए उसने रितु को काफी बार समझाया था लेकिन वह नहीं मानी थी। उसके दोस्तों को भी रितु के चाल चलन पर संदेह था। उसे ताना अक्सर वो मारा करते थे। यह घटना उत्तराखंड के रुद्रपुर से हुई। इस घटना से सनसनी फैल गई है। पुलिस के अनुसार रविवार रात करीब 10 बजे मोहन शराब के नशे में बाजार से घर पहुंचा और विवाद के बाद एक घंटे के बाद 10:30 बजे उसने अपनी पत्नी का गला रेत कर हत्या कर दी और 12:30 बजे तक मोहन ने पुलिस के आगे जाकर सरेंडर कर दिया। पत्नी और 3 बच्चे की हत्या कर भागा इंजीनियर। वीडियो बनाकर बताया कि मैं भी आत्महत्या कर रहा हूं। इंदिरापुर में झारखंड के एक इंजीनियर ने पत्नी और बच्चों को गला रेत कर हत्या कर दी। इंजीनियर रात करीब 3 बजे एक बैग लेकर घर से भाग गया। रविवार शाम पति ने फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पर वीडियो डाली और उसने कहा कि मैं अब आत्महत्या करने जा रहा हूं। परिवार के लोगों ने तत्कालीन निदापुर स्थित घर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गेट तोड़कर शव को बाहर निकाला, बुरी तरीके से हत्या कर दी थी। पुलिस आरोपी को फिलहाल अभी तलाश रही है। शादी से इनकार करने पर छात्रा की गोली मारकर हत्या, गांव के लोगों में दहशत। मुजफ्फर में भोपाल थाना क्षेत्र के गांव में बहुपुरा में शादी से इनकार करने पर ग्राम प्रधान के भतीजे ने एक छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया है। परिजनों का आरोप है कि महिला ग्राम प्रधान का प्रतिनिधित्व भी है। उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों में 2 घंटे तक नहीं उठाने दिया। सरेआम बीज गांव में छात्रा की हत्या की वारदात से दहशत फैल गई है। छात्रा ने बीएड की परीक्षा दी थी। सूचना पर भोपाल पुलिस और सीओ मौके पर पहुंचे। गांव में छात्रा की हत्या से वारदात में दहशत फैल चुकी है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।